हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हुआ है आयरन कार्बन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो सब्जेक्ट है वह है मटेरियल टेक्नोलॉजी। आज इसको मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स और बनाना भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो अगर लॉन्ग हो तो आप पूरा देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कभी भी बना सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी आपने मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ मटेरियल टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टिक करें और देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। या हर एक वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आयरन कार्बन डायग्राम। तो पहले आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है। आयरन कार्बन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो आयरन और कार्बन का जो मिक्सर है या मिश्रण है उसके अलग अलग फॉर्म की स्टडी करते हैं। जो जब हम आयरन को इतना गर्म कर देते हैं आयरन कार्बन मिश्रण को कि वो लिक्विड अवस्था तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करते हुए या कहते हैं सॉलिडिफिकेशन करते हैं उसका, करते हुए जो जो फॉर्म चेंज होते हैं उसके अलग अलग टेम्परेचर पर या कह सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर जो उसके बनते हैं, उन सबको हम इसमें की स्टडी करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। इसके लिए हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी पड़ती है। क्या वर्टिकल लाइन, जिसपे हम क्या करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म को दर्शाते हैं, कहां से नॉर्मल टेम्परेचर टू 1539 डिग्री सेल्सियस तक। यह क्या होता है 1539, यह इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद वह मेल्ट हो जाता है, मतलब वह पानी जैसा हो जाता है गर्म होके। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें हम कार्बन का परसेंटेज दर्शाते हैं, जो हम 0% से 6.7 कितना 6.7% तक शो कराते हैं। इसके अलावा ये दिखाया है मैंने कि ये दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू सॉलिड दो फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसकी स्टडी करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आयरन और कार्बन के बारे में जिनको समझना जरूरी है, उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्फा आयरन, अल्फा आयरन क्या होता है, यह क्या होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं कुछ आयरन के, एलोट्रॉपिक फॉर्म अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से 900 नॉर्मल टेम्परेचर से 910 डिग्री सेल्सियस तक जब हम किसी जो भी हमारा मेटल होता है जैसे आयरन है तो हम गर्म करेंगे तो वह अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो जो 910 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाता है कौन सा होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये क्या होता है, इसमें क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक में, जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर पर। इसके बाद इसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है गामा, गामा आयरन होता है जिसमें 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह क्या करता है गामा आयरन बनाता है, और इसमें जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है अल्फा आयरन के अंदर वह चेंज होता है एफसीसी स्ट्रक्चर में, मतलब बीसीसी एफसीसी में चेंज हो जाता है किसके अंदर, गामा आयरन के अंदर। एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक। इसी तरह होता है गामा आयरन से डेल्टा में चेंज होता है, कब 1400 से 1539 तक जब हम इसको गर्म करते हैं इसके बाद यह मेल्ट हो जाता है, इसके अंदर फिर से वो एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक से बॉडी सेंटर क्यूबिक में फिर से परिवर्तन हो जाता है। अब इस परिवर्तन के दौरान कुछ हमें इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं, उन इंपॉर्टेंट वर्ड को इसमें दर्शाना भी जरूरी होती है, उनकी स्टडी करना भी जरूरी होती है। जैसे फेराइट है, ऑस्टेनाइट है, सीमेंटाइट है, इन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। इन वर्ड को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फेराइट, फेराइट क्या होता है, यह सॉलिड सॉल्यूशन होता है, किसका से कैसा सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन का, किसके अंदर अल्फा आयरन के अंदर, किसके अंदर अल्फा आयरन के अंदर फेराइट क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन होता है किसका कार्बन का, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है 0.025%, कितने टेम्परेचर पर 723 डिग्री सेल्सियस पर, 723 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि यह 910 डिग्री सेल्सियस के अंदर में रहता है। दूसरा होता है ऑस्टेनाइट, क्या होता है फ्रेंड्स ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट सॉलिड सॉल्यूशन होता किसका गामा आयरन का, ऑस्टेनाइट सॉलिड सॉल्यूशन होता गामा आयरन का जो 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनता है। इसमें जो कार्बन की परसेंट रहती है वो होती 1.7%, मतलब 1.7% कार्बन पे और 1130 डिग्री सेल्सियस पर यह कंप्लीट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वर्ड आता है सीमेंटाइट, क्या होता है सीमेंटाइट, सीमेंटाइट क्या होता है, यह क्या आयरन कार्बाइड होता है, क्या आयरन कार्बाइड,
यह पाया जाता है 0.8% कार्बन से लेकर 6.6% कार्बन तक, जो जब आयरन कार्बाइड बन जाता है। तो ये तीनों सभी फॉर्म को हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फ्रेंड 4.3 कार्बन पर, याद रखना 4.3 कार्बन परसेंटेज के ऊपर एक डॉट डॉट लाइन डालना, कितनी दूरी तक, 1130 डिग्री सेल्सियस, कहां 1130 डिग्री सेल्सियस तक क्या डालना है, एक लाइन डालना डॉट डॉट, इस पॉइंट को सीधा यहां मिला देना 1130 डिग्री सेल्सियस। क्या किया फ्रेंड्स, ये 4.3% एक डॉट डॉट लाइन डाली, कहां तक डाली 1130 तक, 1130 वाली लाइन सीधी यहां मिला दी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, 1500 देख रही है आपको, ये 1500 इसको दिखाना जरूरी है, ये 1500 वाली लाइन है, ये क्यों बना रहा है मैं अभी आपको बताता हूं। ये 1500 वाला पॉइंट सीधा मिला देना कहां, इस पॉइंट पर, इसको फ्रेंड्स बोलते सी पॉइंट, क्या बोलते सी, और जो यहां स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे ए, ठीक है, इसको बोलेंगे एफ, जो ये वाला पॉइंट है। अब ये क्यों बनाई समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, यहां से ए पॉइंट पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इधर क्या है लिक्विड फॉर्म में, किसमें इधर पूरा है लिक्विड फॉर्म, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है आयरन कार्बन का इधर लिक्विड फॉर्म में। यहां से मैंने क्या किया, टेम्परेचर को डाउन किया, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं क्योंकि तभी सॉलिड अवस्था में चेंज हो गया, और कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। अगर ये लाइन इधर को जा रही है मतलब ये कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, और मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है, मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसका मतलब। तो हम यहां से क्या किया, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम किया और कार्बन की मात्रा बढ़ा रहा है। इधर को देखें, ये कार्बन की मात्रा बढ़ रही है इधर को, और ये धीमे धीमे बढ़ा रहा है, कहां तक आया 4.3 तक, और एफ क्या कर, 4.3 का मतलब ये होता है कि यह जो हमारा लिक्विड होता है फॉर्म में जो होता है सोल्यूशन, वह 4.3 कार्बन परसेंट पर और 1130 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 4.3% और 1130 डिग्री सेल्सियस सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, किसमें सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा ये 6.7 तक, कितना 6.7 तक फिर से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहां पर इसको एक लाइन दर्शा देते हैं इस तरह की, जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पॉइंट सी है फ्रेंड्स, ये डी पॉइंट मिलता मुझे, क्या होता है ए सी डी, ये इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सीडी, क्योंकि ये फिर से लिक्विड से क्या होता है ऊपर की ओर हमारा किसमें चेंज होने लगता है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो लाइन होती है, ये लाइन दिख रही होगी आपको फ्रेंड्स, इसको लिक्विडस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिक्विडस, लिक्विडस का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में लिक्विड हो, जिस क्षेत्र में लिक्विड हो। तो फ्रेंड्स ए लाइन ए सी डी आपको समझ में आ गई होगी। अब ए इस क्षेत्र के अंदर क्या बनता है वो मैं बताता हूं। तो यहां पर जैसा मैंने देखा फ्रेंड्स, ये लिक्विडस लाइन है, हमने इसलिए क्योंकि यहां पर पॉइंट सी, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पॉइंट को बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट, क्या बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट लिया यूटेक्टिक, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां जहां पर हमें क्या होता है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आयरन कार्बाइड बनाता है। इस सीमेंटाइट का मतलब होता है यहाँ आयरन कार्बाइड है और लिक्विड फॉर्म में ऊपर, इसलिए इस लाइन से ऊपर है, मतलब लिक्विड फॉर्म भी है और सीमेंटाइट भी है, सीमेंटाइट मतलब आयरन कार्बाइड, क्योंकि 0.8% से 6.7% तक क्या होता है सीमेंटाइट देता है। अब ये तो फॉर्म चेंज हो गया, अब हम करते हैं कि ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से नीचे क्या बन रहा है सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन तक आते आते सी पॉइंट तक और एफ पॉइंट तक एक किस तरह परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन की लाइन में बताता हूं। सबसे पहले 1.7 से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन खींचेंगे। क्या किया फ्रेंड्स, 1.7 कार्बन परसेंट से एक डॉट डॉट लाइन खींची, क्यों खींची ये भी बताऊंगा मैं। इस सी पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहां पर बढ़ा देंगे, पूरा कंप्लीट बताऊंगा, और सी पॉइंट को इधर बढ़ा दिया। अभी क्यों बढ़ाया मैं बताता हूं। अब हम स्टडी करते हैं, यहां से जब 1539 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर को डाउन किया, कितने पे आए 1492 पे, कितने पे 1492 पे, यहां पर क्या हुआ, जब हम कार्बन का परसेंटेज कितना 0.1%, क्या होता है 0.1% मिलाएंगे तो समथिंग इधर को एक पॉइंट आ जाएगा। मान लिया मैंने ये पॉइंट कहां मिला मुझे, यहां पर मिला, यहां पर एक पॉइंट मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एच पॉइंट बोलते, क्या बोलते हैं एच पॉइंट। जब ये एच पॉइंट पे आया उसके बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा और बढ़ाया, इसको इस पॉइंट को और बढ़ाया थोड़ा लगभग, यहां अगर कार्बन की मात्रा और बढ़ाई कितनी जे, इसको बोलते जे पॉइंट, क्या बोलते फ्रेंड जे पॉइंट।
यहां पर दूसरे पॉइंट पर इसकी मात्रा जे पॉइंट पर कितनी होगी, 0.18%। हमने क्या किया यहां पर कितनी 0.1% से कितनी बढ़ाई 0.18%। अगर इसके बाद हम अगर इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, ठीक है, यहां पर तो ये इसी टेम्परेचर चलेगा, इसके बाद टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो परिवर्तन होने लगता है, किसमें, इस पॉइंट में। वो किसमें चेंज होने लगता है, धीरे धीरे ऑस्टेनाइट में चेंज होता है, और ऑस्टेनाइट धीमे धीमे कहां तक बढ़ता है, 1.7% तक। क्योंकि ऑस्टेनाइट की थ्योरी से हम जानते हैं कि 1130 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 1130 डिग्री सेल्सियस पर, ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मिला दिया मैंने, और कितने 1130 डिग्री सेल्सियस, इसको यहां मिला दिया 1130, ए पॉइंट, इसको पॉइंट को बोलते हैं फ्रेंड्स ई पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं जे पॉइंट। इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं मैं जे पॉइंट, इसको और आगे बढ़ा के यहां पर लिख देते हैं जे, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एच। ई पॉइंट क्या होता है कि ए यहां से जब धीमे धीमे का, तो ई पॉइंट पर ऑस्टेनाइट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती है, किसमें फ्रेंड्स, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट, जो 1.7% पर 1130 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्टेनाइट पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, जे पॉइंट से, जे पॉइंट होता है पेरिटेक्टिक पॉइंट, क्या होता है फ्रेंड्स, पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा, ये इसको पेरिटेक्टिक पॉइंट मींस होता है कि जहां से परिवर्तन होना स्टार्ट होता है किसके अंदर, ऑस्टेनाइट में बदलना स्टार्ट होता है। ई पॉइंट होता है जहां पर ऑस्टेनाइट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यहां पर कौन कौन से फॉर्म बनते हैं वो मैं बता दूं। अगर 1400 डिग्री सेल्सियस तक आता है, इसको लाइन हम ऐसी बना दें, कितने पे, 1400 डिग्री सेल्सियस पर, इस तरह की, इस ए जो पॉइंट मिला जो एच, इसको अगर ए से मिला दें तो यहां पर दिख रहा है एक दो ट्रायंगल बन जाती है, दो ट्रायंगल अलग फॉर्म में होते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूं तो ये कंप्लीट पॉइंट बन जाता है, क्या बन जाता है, सी बी जे ई। और यहां पर देखेंगे इन पॉइंटों में क्या क्या बनता है वो मैं बताता हूं। तो ये जो ऊपर का क्षेत्र देख रहा है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था, यहां से थोड़ा चेंज हुआ, देख रहे हैं आप कितना था जी, डेल्टा देख रहा है 1415। तो यहां पर ये इस फर्स्ट ट्रायंगल में क्या होगा, यहां पर पूरा लिक्विड प्लस डेल्टा, क्योंकि ऊपर क्या होता है लिक्विड फॉर्म था, तो लिक्विड प्लस डेल्टा होगा। इस ट्रायंगल में देख रहा है, इस ट्रायंगल में, क्योंकि यहां 1492 आ गया, 1492 से नीचे, 1492 से नीचे क्या बनना था फ्रेंड्स, इसमें क्या बनना था, डेल्टा, प्योर क्या बनेगा फ्रेंड्स, डेल्टा। तो यहां पर एक एरो से मैं दिखा देता हूं इस क्षेत्र के अंदर क्या बनेगा, डेल्टा, जो कितने बीच में रहता है, 1400 से 1539 के बीच में। अब थर्ड ट्रायंगल जो बन रहा है उसको हम काम लाएंगे इस तरह का, इस तरह का अगर ट्रायंगल यहां पर मिला दें, ये जो क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को भी यहां पर दिखाना जरूरी है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है जो ये वाला जो अभी बनाया जस्ट, इसके अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा प्लस गामा, डेल्टा प्लस गामा। तो ये देख रहा है नौ, क्योंकि ये 910 से 1400 के बीच में है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है जो, सॉरी, ये 1400 से 1547, ये दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्षेत्र में चलेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये 0.8% कार्बन है, वहां से एक डॉट डॉट लाइन डालेंगे, कितनी ऊंचाई पे, 723 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, क्योंकि अब अभी हमने क्या किया था, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया था, अब सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो डाउन करेंगे, लेकिन परसेंटेज, जो कार्बन की परसेंटेज है उसकी मात्रा घटाएंगे, कहां तक लाएंगे, 0.8% तक। तो ई पॉइंट है, ई पॉइंट है ना, जहां पर क्या होता है ऑस्टेनाइट कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती है, उस पॉइंट से हम कहां लाएंगे, इस 723 डिग्री सेल्सियस के बराबर और 0.8% कार्बन पर, इसको सीधा यहां से क्या करेंगे, सीधी लाइन मिला देंगे इस तरह। लाइन देख रही, ये यहां पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एस पॉइंट, क्या बोलते हैं, एस पॉइंट। एस पॉइंट क्या होता है, यू टेक्टोइड पॉइंट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, यू टेक्टोइड पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहां ए एस क्या होगा, यू टेक्टिक पॉइंट मैंने लिख दिया। यू टेक्टिक पॉइंट क्या होता है कि जिस, जहां पर हमें क्या होता है 0.8% कार्बन पर, और जो हमारा सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है कितने पे, 723 डिग्री सेल्सियस, वहां पर हमें एक पॉइंट प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, यू टेक्टिक पॉइंट। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र को कवर करेंगे, इस क्षेत्र में क्या बनता है, क्या हम 910 से एस पे हम क्या करेंगे, एक लाइन डालेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स में। ये 910 से
एक पूरे कंप्लीट लाइन डाल दी, उस क्षेत्र को कवर कर दी। इस लाइन को हम जानते हैं जी नाम से। किस नाम से फ्रेंड्स? जी नाम से जानते हैं। अब जो ये क्षेत्र पूरा कवर हो रहा है, इस जीएस लाइन क्यों डाली? क्योंकि 910 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे आएंगे हम, तो हमें जो ऑस्टेनाइट होता है वो फेराइट में कन्वर्ट होने लगता है। अभी ये क्षेत्र पूरा क्या बनेगा फ्रेंड्स? ऑस्टेनाइट। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बंद करके मैंने इसमें क्या लिख दिया? ऑस्टेनाइट। ये पूरा क्षेत्र किसका? ऑस्टेनाइट। अगर हमने जैसा बताया, अगर इस लाइन से नीचे आएंगे तो फेराइट में कन्वर्ट होने लगता है। फेराइट क्या होता है? जिसमें कार्बन की परसेंट 0.025 रहती है, तो वो इसके नीचे आएगा, तो वो कितनी टेम्परेचर पर रहता है? 723 डिग्री सेल्सियस। तो हम अगर इसको कार्बन के 0.8% इधर है, तो हम इधर मान लें कि समथिंग इधर क्या है, एक पॉइंट है जिस पर कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 0.025%। वो कितने पे? 723 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन डालना पड़ेगी कंप्लीट ऐसी। उस लाइन को डाल दिए थे कितने पे? 723 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरह की एक लाइन डाल दी मैंने 723 पे, ठीक है। अब कहां से कन्वर्ट हुआ था? यहां से डाउन हुआ। कहां से टेम्परेचर? 910 से डाउन हुआ। कितने पे आया? 723 पर है। और कार्बन की परसेंटेज बढ़ी तो पॉइंट इसलिए इधर खिसक गया। तो इसको भी हम कहां मिला देंगे? यहां इस तरह मिला देंगे। इस तरह कंप्लीट मिला दिया फ्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या बन रहा है वो मैं नोट डाउन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां मैं नोट डाउन किया, उसको आप समझने कुछ जो मैंने एरो लगाया उसको जरूर देखें, क्योंकि इसका क्षेत्र दिख रहा है। किसका? इस पॉइंट को फ्रेंड्स बोलते हैं पी पॉइंट। क्या बोलते हैं? पी पॉइंट। किसको? इस पॉइंट को पी पॉइंट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कि ये जो एरो दिखा है, इसका मतलब है ये इसके अंदर का क्षेत्र क्या? फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। और 910 से नीचे आते तो जो गामा आ रहा है वो किसमें? अल्फा में चेंज होने लगता है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस गामा भी लिख दिया, जैसा मैं यहाँ पर टेम्परेचर बता चुका हूँ। तो इसके अंदर का क्षेत्र जबकि लिखा मैंने यहाँ, तो इसके अंदर नहीं समझे, क्योंकि इसके अंदर ओनली ऑस्टेनाइट है। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं? जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं सीधा जीरो से मिला दें, किससे? जीरो से। ऐसा फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्यू पॉइंट। तो इसके अंदर टोटली जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा क्या रहता है? फेराइट रहता है फ्रेंड्स। क्या रहता है? फेराइट। इस क्षेत्र के अंदर पूरा फेराइट रहता है फ्रेंड्स। तो इतना आपको एक ग्राफ समझ में आएगा। अब सब कुछ नोट डाउन करना है कि इसके अंदर क्या बनता। तो इसके अंदर टोटली जो बनता है वो होता है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर मैं नोट डाउन कर देता हूं। अब फ्रेंड्स, मैंने कुछ नोट डाउन किया। ये जो ये क्षेत्र था क्यू पी एस 0.8% तक, ये होता फेराइट प्लस पियरलाइट। फेराइट प्लस पियरलाइट और जो 0.8% से 6.67% तक सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट रहता है, क्योंकि सीमेंटाइट कहां से 0.8% से 6.6% तक रहता है, ठीक है। और ये फेराइट प्लस पियरलाइट रहता है। अब ये फेराइट क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं। फेराइट क्या होता है? जिसमें जो क्या एक अल्फा आयरन का फॉर्म में रहता है, जो अल्फा आयरन कितने में रहता है? 910 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और पियरलाइट क्या रहता है? पियरलाइट में मतलब सीमेंटाइट और जो सॉरी जो सीमेंटाइट और पियरलाइट का कुछ परसेंट रहता है, जैसे 87% किसका रहता है? फेराइट का। और 13% किसका रहता है? सीमेंटाइट का। इन दोनों को मिलकर बनता का पियरलाइट। अब ये सीमेंट, अब सीमेंटाइट क्या होता है मैं बता चुका हूं कि सीमेंटाइट में क्या रहता है? जो आयरन कार्बाइड का मिक्सर कंप्लीट बनता है, जो 0.8% से 6.6% तक रहता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन रहता है किसका? गामा आयरन का, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहता है? जैसे ही अपन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0.8% से 6.6% तक क्या रहता है? सीमेंटाइट रहता है। लेकिन यह जो नीचे कन्वर्ट हो जाए, जैसे मैं बता चुका हूं किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ऑस्टेनाइट में, जो कि ई पॉइंट पे आके ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता, तो नीचे भी क्या रहेगा? ऑस्टेनाइट। इसलिए लिखा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, क्योंकि सीमेंटाइट ऑलरेडी हम बता चुके 0.8% से 6.6% तक रहता है। अब ये गामा फॉर्म में रहता है और प्लस Fe3। क्यों लिखा? Fe3 में होता कार्बन, जो आयरन कार्बाइड, ठीक है। अब हम इसको एक बार समझाएंगे। अब नीचे का और थोड़ा सा पोर्शन समझाते, इसके बाद इसकी एक्सप्लेन करता हूं। अब फ्रेंड, नीचे से कब अच्छी तरह समझ, 0.08% तक का नीचे वाला कार्बन का देखें, 0 से 0.8% तक का क्षेत्र रहता है, वो तो हाइपो यूटेक्टिक स्टील। क्या होता है? हाइपो यूटेक्टिक स्टील, ऐसा लिख भी सकते हैं आप। अब 0.8% से 2% तक समथिंग, कितना? 2% तक, 2% 0.8 से 2% तक जो एरिया रहता है वो होता है हाइपर यूटेक्टिक। क्या होता है? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो रहता है 0.8 से 2% तक। अब इसके बाद का जो एरिया रहता है 4.3% तक, वो ये रहता है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्या होता है? हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन।
इसके बाद का जो एरिया होता है वो होता है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट समझ में आएगा, अब मैं ऊपर से एक्सप्लेन कैसे करेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे थ्योरी, सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस से जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं और धीमे धीमे कम करते आते हैं और आयरन का परसेंटेज बढ़ाते आते हैं, तो हमें एक पॉइंट सी प्राप्त होता है, किस पर 4.3% का, किस पर, कार्बन पर, और 1130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वहां पर जो सी पॉइंट होता है उसे हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, जो जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में कंप्लीट चेंज हो जाता है, इसलिए उसे यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर अगर हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वह फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, जो लिक्विड प्लस सीमेंटाइट बनाता है। सीमेंटाइट मतलब होता है 0.8% से 6.6% तक कार्बन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें क्या लिक्विडस लाइन मिलती है, लिक्विडस मीन्स होता है इसके ऊपर का पूरा क्षेत्र या इस क्षेत्र तक क्या लिक्विडस। अब हम जैसे ही हम फिर से जाएंगे, हम जैसे ही हम क्या करते हैं इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो हमें 1452 और जो कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है 0.1%, हमें एक पॉइंट प्राप्त होता है एच, एच प्राप्त होता है। अगर एच से थोड़ा और कार्बन का परसेंट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो वो एक पॉइंट मिलता है मुझे जे, उसे बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। तो जे पॉइंट पेरिटेक्टिक पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वो धीमे धीमे डाउन होता जाता है, जैसे ही कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, जब कार्बन का परसेंटेज 1.7% हो जाता है तो हमें एक पॉइंट प्राप्त होता है ई। ई पॉइंट क्या होता है, ई पॉइंट पे हमें ऑस्टेनाइट मिल जाता है कंप्लीट। क्या मिलता है, ऑस्टेनाइट का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम जैसे ही जे पॉइंट से कहां ई पे आएंगे, जे पॉइंट को पेरिटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि जहां एक टर्निंग पॉइंट होता है ऑस्टेनाइट का, और ई पॉइंट पे हमें ऑस्टेनाइट कंप्लीट मिल जाएगा। हैं, अगर इसके हम जो हमारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में अल्फा बीटा गामा की स्टडी करें तो ये ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ता है। तो जे पॉइंट को हम अगर इस सॉलिडस लाइन से मिलाएंगे तो हमें एक पॉइंट बी मिल गया, और हम जानते हैं कि जो ऊपर का क्षेत्र होगा, क्योंकि जो ए और जे बी का, तो वो होता है क्या होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि धीमे धीमे चेंज हो रहा है, और जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो क्या होता है 1547 डिग्री सेल्सियस क्या होता है डेल्टा होता है, तो अल्फा प्लस डेल्टा लिख देंगे। अब अगर हम जानते हैं 1452 से थोड़ा नीचे 1400 तक आते हैं तो हमें ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा, तो 1400 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो उस पर क्या रहता है, जो हमारा फॉर्म बनता है 14 से डेल्टा बन जाता है, क्योंकि यहां देख रहे हैं 1400 पे कितना बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, तो यहाँ डेल्टा लिख देंगे। अब अगर इसको 1400 को डायरेक्ट मिला दें, कहां जी, जिस सिर्फ हमें एरिया दिखाने के लिए मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे ऊपर का क्षेत्र तो वहां पर डेल्टा रहेगा, और थोड़ा नीचे का क्षेत्र वो गामा रहेगा, तो ये दोनों मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमें यहां तक मिल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, जब सॉलिड सॉल्यूशन मिल गया तो हम सॉलिड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं जैसे ही कार्बन की मात्रा घटाते जा रहे हैं और टेम्परेचर घटा रहे हैं, कितना कार्बन की मात्रा घटा रहे हैं और टेम्परेचर घटा रहे हैं, और 723 डिग्री सेल्सियस पर, और कार्बन की मात्रा कितने 0.8% तक आते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है एस, जिसे बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट। क्या होता है, यूटेक्टोइड पॉइंट, जहां पर क्या रहता है, यह क्या सॉलिड टू सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड टू सॉलिड में, क्या क्या बनता है ई से 0.8% तक, इसके ऊपर का क्षेत्र होता है, उसका ऊपर का क्षेत्र क्या होता है 910 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो 910 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम क्या करते हैं 910 को डायरेक्ट मिला देते हैं एस से, क्योंकि इसका एरिया दिखाना मुझे, तो ये कहां तक रहता है 910 डिग्री सेल्सियस रहता है, इधर डाउन में देखें तो एस तक रहता है, जिसे हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, तो इसलिए हम जी को एस से सीधा मिला देते हैं, जी एक पॉइंट का नाम दे दिया जी, उसको सीधा मिला देते हैं, तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या रहेगा ऑस्टेनाइट रहता है, ऑस्टेनाइट। अब अगर हम कार्बन की परसेंटेज देखें और भी फॉर्म रहते हैं, अगर हम क्या करें 723 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है 0.02% उसको अगर देखें तो इधर थोड़ा 0% है तो थोड़ा इधर को होगा, तो इधर एक पॉइंट मार दिया कितने 723 डिग्री सेल्सियस पर, उसको क्या करेंगे तो हम इसको जो मिला दिया तो इसको सीधा कितनी कितनी कितने पर है सीधा एस पॉइंट से मिला दिया, और ये लाइन हमें कंप्लीट करना तो सीधी लाइन यहां मिला दी, तो ये जो क्षेत्र बन जाए तो वो होता है क्योंकि ऑस्टेनाइट फेराइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट होगा, क्या होगा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, अल्फा प्लस गामा के क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हो, अगर हम पॉइंट को इसको सीधा क्यू से मिला दें एरिया, तो ये पूरा एरिया जो इसके अंदर वो होता फेराइट होता, फेराइट में क्या होता जो मेरा टेम्परेचर कितना रहता है फेराइट के अंदर, जो मैं बताया था कि जो हमारा टेम्परेचर रहता है कार्बन रहता है 0.025% से 723 डिग्री सेल्सियस में। अब इसके अंदर इसका क्षेत्र देखें, अब जैसे मैं स्टडी कर चुका था क्या ऑस्टेनाइट की, सबकी बता चुका हूं
पियरलाइट क्या होता है? ये पियरलाइट फेराइट बता चुका हूँ। पियरलाइट क्या रहता है? पियरलाइट के अंदर 87% फेराइट रहता है और 13% सीमेंटाइट रहता है, तो इसलिए इसको लिख दिया है ना। अब इसके 0.8% से 6.67% था प्योर क्या रहता? सीमेंटाइट रहता, तो सीमेंटाइट लिख दिया। अब इसके ऊपर का उपक्षेत्र दिखा मैंने, तो हम जानते हैं कि यहां से जो नीचे कन्वर्ट आया तो ऑस्टेनाइट मिक्सर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर खत्म हुआ है, प्लस ये सीमेंटाइट का एरिया है, तो सीमेंटाइट लिख दिया और एक कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड ऐसे हमें लिखना भी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।